हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गुरविंदर फ्रॉम माता मोंदई गोसवाई पब्लिक स्कूल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल। सोशल साइंस फोर क्लास एट, बुक फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सिविक्स पार्ट टू थ्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जैसे कि नेम से ही हमें पता चलता है, संविधान तथा कानून। बहुत ही लंबे समय की स्ट्रगल से जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, वो दिन था 15 अगस्त 1947। हमें आज़ादी तो मिल गई, बट हम पूर्ण तौर पे आज़ाद नहीं थे। उसका रीज़न क्या था कि जो अंग्रेज़ थे वो तो हमें छोड़ के चले गए, बट देश को चलाने के लिए भी एक ऐसे ही संविधान की ज़रूरत थी। इसलिए संविधान किसे कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक कानूनी दस्तावेज है, अकॉर्डिंग टू जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, टू विच द कंट्री इज गवर्न एंड द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑल आर रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी जो देश की केंद्र की सरकार है, जो प्रांत की सरकार है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलाई जा रही है। और इसको, संविधान को ही देश के बाकी कानूनों से सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम माना जाता है। और इसके लिए, संविधान बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक कमेटी का एक अध्यक्ष जिसको चुना गया है। और नेक्स्ट है हमारा मनुस्क्रिप्ट कमेटी। ये एक 7 मेंबर कमेटी थी जो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसकी लीडरशिप के अंडर ये बनाई गई थी। और इस कमेटी के में क्या था, जो भिन्न भिन्न देश थे उनके संविधान का, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी स्टडी करने थी। और उन्होंने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों की स्टडी की, जिसमें से बहुत से सिद्धांत हैं जो वो दूसरे देशों के संविधान में से लिए गए। और इस संविधान में सभा के कुल 11 सीटिंग हुई, जो ये 2 साल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में कंप्लीट हो गया। बट 26 नवंबर 1947 को ये बनकर पूरा तैयार हो गया था, बट फिर भी ये 26 जनवरी 1950 को ही स्थापित किया गया, मींस उस दिन ही लागू किया गया। उसका रीज़न क्या था कि 26 जनवरी 1930 को रावी के नदी के किनारे पर संपूर्ण स्वतंत्रता लेने की ये शपथ ली थी, इसलिए ये 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को लागू किया गया। और संविधान है जो, इसकी जो लास्ट बैठक थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उसको भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को ये हमें पूर्ण तौर पे इंडिपेंडेंट हो गए, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सुवर्जन, ये हम टोटली 26 जनवरी 1950 को बन गए। आगे आता है हमारा लॉ। लॉ क्या है? जैसे कि संविधान पढ़ा है, संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और लॉ उसको क्या है कि सोशल लाइफ है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ का भी होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि ये जो वर्ड है हमारा डेरिवेट हुआ है टिटोनिक वर्ड लैग से, जिसका मीनिंग है डेफिनेट। सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि लॉ मीन्स अ डेफिनेट रूल। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंजोर द रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज़ अबव लॉ। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे सुप्रीम है वो क्या है, हमारा
लॉ है। वट एवर यू हाई और द लॉ इज़ अबव यू, हम चाहे कितना भी ऊंचा मर जाए पर हमारे ऊपर भी लॉ सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, वो सोसाइटी में ही रह सकता है, ठीक है। नेचर और अपनी नीड की वजह से वो सोसाइटी में रहता है, इसकी वजह से उसने क्रिएट क्या कर लिया, ग्रुप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके द्वारा उसको लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, उसने लॉ बना लिया। लॉ क्यों रिक्वायर्ड था, क्यों, जैसे कि बच्चों के हम आपको बता दें कि अगर स्कूल में लॉ ना हो तो स्कूल की क्या हालत होगी, अगर टाइम टेबल हमारा नहीं बना होगा, ठीक है, कोई हमारा प्रेयर का टाइम नहीं है, कोई हमारा स्टडी का टाइम नहीं है, कोई रिसेस का टाइम नहीं है, तो हमारे स्कूल में कितना ज़्यादा वो एक जंगल जैसा बन जाएगा, हमें देखने को ऐसा लगेगा जैसे जंगल का माहौल हो। ऐसे में हमें कंट्रोल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉ की ज़रूरत पड़ जाती है। और हमारे देश में जो कई शताब्दियों से जो बुराइयां चल रही थी, ये भी एक हमारे के लिए क्या थी, एक हम श्राप बन गई थी। क्यों, उसका रीज़न ये था कि जैसे कि डोरी, एग्जांपल है डोरी की, डोरी होती है दहेज, जैसे कि दहेज जो प्रथा चल रही थी उसमें जो गरीब पुअर फैमिलीज के लोग थे उनके लिए जो एक श्राप था, जो रिच वाले थे वो डोरी दे सकते थे पर पुअर के लिए कैसे, क्योंकि जो उनके पास धन की कमी की वजह से वो अपने किसी किसी से उधार मांग कर पैसे लेते थे और जिसकी अपने वो लड़की की शादी करते थे, जिसकी वजह से हमारे देश की जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा, और इस देश में गरीब वर्गों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बन गई। और ये जो क्या था, मतलब कि हम लोग पुअर फैमिली थे, ये ऐसे ही उनका जो उनके ऊपर लोन था वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाता था, और ये जनरेशन जैसे एक जनरेशन के ऊपर चढ़ गया फिर उसके आगे वाले, क्यों, क्योंकि वो उतार नहीं सकता था। यही कारण था कि उनके जो पुअर फैमिली थी वो एक श्राप समझते थे, और इसकी वजह से वो फीमेल की थी फुटसाइड कर रहे थे, लड़कियों और लड़कियों के बीच की रेशो है वो भी कम होनी शुरू हो गई। सरकार को ये कानून आफ्टर ऑल बनाना पड़ा जिसमें उन्होंने दहेज को डॉरी को लेने और देने के लिए उन्होंने अवैध कोशिश कर दी कि ये इलीगल होगा अगर किसी ने डोरी किसी को दी जा ली। इसलिए ये हमारा जो कानून है वो हमारे संविधान में है, जिसको संविधान को हम सुप्रीम मानते हैं। इसलिए जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या गवर्नमेंट की जो या स्टेट गवर्नमेंट है उनको चलाने के लिए हमारे जो उनको चलाने के लिए संविधान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी कानून में की जो हमने कानून बना तो लिया पर इनकी सुरक्षा के लिए हमें एक कमेटी का जो वो था न्यायपालिका, उन्होंने न्यायपालिका को हम लोगों ने जुडिशरी का ऑर्गेनाइज किया। क्यों, क्योंकि जो हम लोग लॉ तो बना लिया, लॉ को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा करने के लिए कौन करेगा, उसका जस्टिस करने के लिए किसी ने किसी को तो बनाना ही था, इसलिए उन्होंने एक जुडिशरी का ऑर्गेनाइज किया। और जुडिशरी को जो पावर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करेगी, जो ऐसी
उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ भी लागू किया है उसको बचाने के लिए उसके पास जो पावर है, किसकी सबसे ज़्यादा पावर है, जुडिशरी की सबसे ज़्यादा पावर है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो उन्होंने किसी भी अपने कानून में नया का जो भी एग्जीक्यूटिव है या उसको भी अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उनके अपने किसी भी लॉ बनाने में या लॉ को लागू करने में उन्होंने किस अगर संविधान का उल्लंघन कर दिया तो उसको जो न्यायपालिका है उसको इलीगल घोषित कर सकती है। ये सब किसके पास शक्तियां हैं? सिर्फ जुडिशरी के पास ये पावर्स हैं। और है नेक्स्ट है हमारा संविधान और लोकतंत्र। संविधान के अनुसार जो देश है पूर्ण तौर पर क्या है, लोकतंत्रीय यहाँ पर ढांचा लागू किया गया है। नागरिकों को भी अधिकार दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सभी अधिकार गवर्नमेंट के है तो उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसमें ये भी किया गया है कि अगर गवर्नमेंट ने जनता को नागरिक को अधिकार ना दिए तो उसकी आलोचना करने के लिए कोई ना दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर डिक्टेटरशिप राज बन जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों को कानून के विरुद्ध उठाने की आवाज़ भी देने के लिए उनको भी राइट दे दिया। लोग अंग्रेज़ों ने तो सरकार जब अंग्रेज सरकार थी तब क्या था, उन्होंने कानून तो बना दिए परंतु उन कानूनों में जैसे कि हमारे यहाँ पर साइमन कमीशन और जलियांवाला बाग की जो घटनाएं हमारे साथ हुई, महात्मा गांधी ने 1921, 1930 और 42 में इसका उन्होंने आंदोलन चलाया कि हम लोग ये सब नहीं सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कानून बनाया था वो हम लोग हमारे अगेंस्ट था, हम लोग अंग्रेज द्वारा सरकार द्वारा जो भी सामान था हम लोग उसका कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहते थे। जो भी उनको जो भी सामान वो लेकर आते थे बाहर से यहाँ पर सेल करने के लिए जैसे कि वस्त्र वगैरह को वो भी इसका विरोध किया गया, इंडियंस ने इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इंडियंस के पास ये पावर थी ये वाली। और महात्मा गांधी की अगुवाई से जो डांडी नामक स्थल का है वहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा गया। क्यों तोड़ दिया उन्होंने? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सॉल्ट के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। और तो गांधी जी ने बोला कि हम लोग समुंदर के जो पानी हैं उसको गर्म कर उसके नमक बनाकर अपने खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में कई आंदोलन उन्होंने चलाए, देश में अल्कोहल के अगेंस्ट भी उन्होंने हर एक को ये ऑब्जर्व किया गया कि जो 25 करोड़ है यहाँ पर अल्कोहल के ऊपर खर्च किया जाता है और इसके प्रति भी कई आंदोलन चलाए गए और कई राज्यों में तो इसको भी बाइकॉट करने का बाइकॉट किया गया, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, केरल में पूर्ण तौर से पहले तो ये कानून पास कर दिए गए बट फिर भी ये पूर्ण तौर पर सार्थक नहीं हो सके। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके लिए इनको जो अल्कोहल जैसे ये पदार्थ हैं उनके लिए प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए कई कानूनों का पालन ना करना भी लोकतंत्री सरकार की एक विशेषता है। यदि हम पूरे कानूनों का विरोध नहीं करेंगे तो लोकतंत्री सरकार तानाशाही सरकार बन सकती है। ऐसे में ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।